क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, ठीक है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना इसकी ये कंडीशन अप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये है, सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट ले लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमारे पास वन आ रहा है, बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास पी आ रहा है, सी इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास क्यू, ठीक है। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए, तो बी की कौन सी वैल्यू आ रही है पी, तो हम क्या लिख देंगे माइनस पी बाय ए की क्या वैल्यू आ रही है वन, तो हम क्या लिख देंगे वन इज इक्वल टू माइनस और पी नीचे वाला जो वन होगा वो हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए के इक्वल, सी क्या आ रहा है क्यू और ए क्या आ रहा है आपके पास वन, तो नीचे वाला इग्नोर कर देंगे और क्यू आ जाएगा। सम और प्रोडक्ट हमने ले लिया, अब हमारे पास जो कंडीशन है उस पर ज़रा गौर करें। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर कहाँ से आती है, होल स्केयर के फार्मूले में आती है ना, तो होल स्केयर का कौन सा फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, ठीक। तो हमने इसमें से ये वाली चीज़ जब फाइंड करनी है तो ये वाली चीज़ हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ फाइंड करनी है तो ये इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। सो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके, अब ये वाली वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस टू अल्फ़ा बीटा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई हुई थी माइनस पी, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस पी का स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू थी हमारे पास क्यू, यहाँ पर हम क्यू मेंशन कर देंगे। माइनस है बाय क्यू के स्क्वायर आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू क्या आ गई है पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। एज इट इज़ हमने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर टू कर रहे हैं, उसी तरह हमने जैसे क्वेश्चन नंबर वन में सम और प्रोडक्ट निकाला है, इस क्वेश्चन का सम और प्रोडक्ट सबसे पहले निकालना है फिर उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है। हमारे पास यहाँ पर ए वन आ रहा है, बी आपके पास पी आ रहा है और सी आपके पास क्यू आ रहा है। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है पी, तो माइनस पी आ गया और ए की क्या वैल्यू वन वन हमने कर दिया, नीचे वाले जो वन है हमने इग्नोर कर दिया तो माइनस पी हमारे पास आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा सी बाय ए के इक्वल होता है, सी क्या है आपके पास क्यू और ए क्या है वन, सो क्यू हमने नीचे वाला वन इग्नोर कर दिया क्यू लिख दिया। अब आ गया है क्वेश्चन की मेन चीज़, अब कंडीशन हमने अप्लाई करनी है कि अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब का आंसर क्या आता है। सो ये क्यूब का फार्मूला तो नहीं बन रहा ना, क्योंकि इस तरह तो क्यूब का फार्मूला नहीं होता। हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अल्फ़ा कॉमन आ रहा है और बीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा। ये देखिए थ्री अल्फ़ा है ना, तो थ्री में से एक बार ले लिया अंदर कितने रह गए दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा बाहर आ गया, बीटा कितने हैं थ्री हैं तो अंदर कितने रह जाएंगे टू। लास्ट क्वेश्चन में आपको याद हो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना था होल स्क्वायर के फार्मूले से, मैंने ड्राइव करवाया था, क्या आता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, यही वाली कंडीशन मैंने आपको अप्लाई कर दी। अब ये कंडीशन आ गया, इसमें आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा बीटा की क्या है क्यू क्यू एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या है माइनस पी, माइनस पी का स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस टू अल्फ़ा बीटा की क्या है क्यू, कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब q एज इट इज़ आ जाएगा, p का स्केयर माइनस पी का स्केयर लेंगे सो p स्केयर माइनस टू को q से करेंगे तो टू क्यू। सो अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब का आंसर आपके पास क्या आ गया q ब्रैकेट पी स्केयर माइनस टू क्यू। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट वन और टू की तरह ही क्वेश्चन नंबर थ्री का भी पार्ट का आपने सम और प्रोडक्ट सबसे पहले निकालना है, उसके बाद कंडीशन क्या है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसमें हमने एलसीएम लेना है। अल्फ़ा बीटा ये अल्फ़ा जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसे सेपरेट कर देते हैं वन बाई अल्फ़ा बीटा और ये सेपरेट कर देते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फर्स्ट में भी हमने अप्लाई किया है, सेकेंड में भी वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, सिंपल आपने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है।
वन बाय अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ रही है, अल्फ़ा बीटा की क्यों आ रही है, इज़ इक्वल टू इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की सम में क्या आई थी, माइनस पी का स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा की क्या है क्यू, ये इक्वल नहीं आता सॉरी, वन बाय क्यू और ये क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू क्यू। सो ये आपके पास कंडीशन का आंसर आ गया है। ठीक है, सबसे पहले सम और प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद ये कंडीशन अपने अप्लाई कर देनी है।